शुरू हो चुका है मुकाबला, प्लांट कर रहे हैं बहुत जल्दी। पोकेमोन को स्पॉट किया था यहाँ पे क्लोरी एंड उनको डाउन भी करते हुए नजर आएंगे। फेप्स लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर टीममेट, साथ में आ चुके बी की तरफ एंड ये रीटेक पॉसिबल हो सकता है। लाइफ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, स्वेको एक पिक मिलेगा बट स्टोर एक्स एंड सो साथ में काम करते हुए यहाँ पे स्वेको अकेले छोड़ेंगे। शी गेट्स वन मोर बट कॉल करके आने के एंगल ब्लॉक करना चाहते थे ना, फिर कहीं ना कहीं वहां पे आने के लिए बहुत ज्यादा आवाज करनी पड़ती बट कॉल के नहीं एंड क्लोई नहीं दो किल निकाल जाएंगे। शी हैज टू लुक द अदर वे बट स्वे यहां पे उनको कवर देने के लिए मौजूद है। हम बात कर रहे थे अकेले एक खिलाड़ी, अच्छी बात ओरैंगुटान की तरफ से ये रहेगी कि इनके कोई भी वेपन डाउन नहीं होंगे। फाइनल थर्ड मूव आपको यहाँ पर थोड़ा सा लो जरूर करेंगे बट सही सिस्टम है। देखिए जब आपके नंबर्स आपको कभी भी पुश नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको आगे का अर्ली कॉन्टैक्ट के लिए आए थे बट अभी पीछे हटते नजर आए। पोकेमोन उसका फायदा उठाएंगे पाइप स्किल जगह पे बट लोई फोर्ट्रेस किला महल इतनी चीजें कहनी है कह लीजिए बिकॉज कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे एक सेव की तरफ जाना चाहेंगे बिकॉज टाइम अभी दीजिए आप टाइम। तो ओरैंगुटान क्या स्टिल कमिट करना चाहते हैं? वेल आप कनर के लिए बचे हुए इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ओह नो शॉट मिस, दूस शॉट यहाँ पे मिस करेंगे एंड आई थिंक इज डन। कुछ किल्स निकालने की दरकार इनकी तरफ रहेगी कि फाइव कैन फाइंड एनी किल टेस्ट नहीं करना चाहता। हमें पता है स्वे कितना शानदार खिलाड़ी है बट उसी बीच गनर ओवर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए बट पहले तो शॉट कनेक्ट करेंगे अंदर जो किया था बट दैट वाज जस्ट अ ट्रेड। नोमैन की पोजीशन आप देखिए, थैंक गॉड की क्लोई ने यहां पे उसका रीड निकाला एंड टेक डाउन किया बट सो वाइल गेट टू स्वे एंड क्लोई। देखिए राउंड का लीड लेने के लिए, राउंड का एडवांटेज बनाने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। किंग अगेन विद द ट्रेड जपीप्स कोस्टन बट ये देखिए कचाओ जो एंगल होल्ड कर रहा है। अनफॉर्चूनेटली टू टाइमिंग देखिए रीड जरूर है इनके पास, चेक करेंगे साइड को एंड लुक एट दिस रॉन्ग डायरेक्शन। बात शुरू हुई यहां पे बिकॉज़ अटैक में जिस तरीके का कॉम्प है उनको अभी टर्न ऑफ राइट देने की जरूरत। क्लोई बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि यहां पे चले आएंगे एंड इट वाज डेडली और ब्लडी वाज द प्लेयर और वो इन शॉट की तरफ चार किल्स निकाल के गए, सिर्फ टी उन्होंने कन्वर्ट किया। स्वे आज आप ये कर सकते हो, हाफ दैट एंड अपने पे चलिए आपके काम आसान कर दिया। यू गॉट वन करते हो अब ड्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, सोवा की तरफ से रीड आएगा किंग क्योंकि सोवा खेलते हुए नजर आएंगे एंड यहां पे मुसाब स्वे को भी डाउन करेंगे बट कचाओ आज कचाओ मुझे बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। किंग फाइटिंग टू एंड थ्रू इज वेरी लो एंड सो इज स्वे। देखिए इसी की हम बात कर रहे थे, अगर कोई हेल्प करने के लिए आता है इट्स वेल एंड गुड, तो यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आ चुके हैं। सुबह को अगर आप टेक डाउन करते हो इट्स गुड फॉर यू। सेज की वो वॉल एक अलग ही दुनिया का प्लांट, नॉट ऑन बी साइड एक अलग ही जगह से प्लांट किया जाएगा बट सोवा प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। द लास्ट रिमेनिंग इज कचाओ शॉट मिस देन अपने ही जाल में फंस चुके हैं बिकॉज अब डिफ्यूज किया जाएगा। नाउ विल बी अच्छा था डिफेंस, इट वाज नॉट गुड डिफेंस में लगातार मौका नहीं देंगे। वेपन एक मिल जाएगा बट मुस्ताब अभी भी तैनात है। रोंडे वो इस्तेमाल कर चुके हैं, ही मेक्स द रॉन्ग मूव, डज नॉट बैक ऑफ, ऑफ आ चुका है स्वे के हाथों में। यहाँ पे किंग अभी भी तकलीफ पहुंचा रहा है, हंटर्स फ्यूरी का इस्तेमाल एंड क्लोई जो लो थे उनके ऊपर ही वहां पे कनेक्शन मिलेगा एंड स्पाइक प्लांटर को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। फिर की तरफ से 5-10 एचपी पे बैठे थे उन्होंने राउंड जीत के दिखाया। आप भी करते हो पोकेमोन, व्हाट वाज दैट, क्या था वो सैम? ओह सोवा इज वेरी लो, आई मीन नॉट लो या ओके Aldrone से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है बट जपीप्स डाउन हो जाएंगे अनफॉर्चुनेट, जो इमीडिएटली ब्रिंगिंग हर बैक एंड यहाँ पे देखिए वापस नंबर्स को हर वक्त कंट्रोल में रखना चाहते थे। कनर दिस टाइम डज नॉट फाइंड एनीथिंग, मुसाब उनको डाउन करते हुए नजर आएंगे। डबल पीक आएगा जिसके वजह से किंग ट्रेड करने के लिए एक मौका मिल जाएगा। स्वे इज डाउन नाउ, मेक इट अ 3, मेक इट अ 4, लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज ट्रिप बट कचाओ उसको डिनाई करेंगे। 18 एचपी पे बचे हैं कचाओ, स्पाइक उनके सामने है, अ ड्रीम to clutch this round, save orangutan ek aur round ke liye but 410 ke paas fase hue musab is just waiting for the peak and down karenge unka। chaliye pokemon unka phoenix gameplay wo hum zarur dekhenge but musab aage badh jate apne head hunter ke sath but aldrone se
उन्हें डाउन किया जाता है। दूसरी तरफ अब्दुर, वो तो मौके की तलाश में थे, बट अब्दुर ने यहाँ डैमेज काफी अच्छा दिया। बाइक प्लांट हो चुका है, सी बी सी का रीटेक रहने वाला है, बट केजे उनकी एचपी देखिए, और यहाँ से स्वे प्लेयर सारे इन द स्पाइक में प्लांटेड, बट ब्रीच से आपको बच के रहना होगा। फुल पार गेमिंग वो क्या कर सकती है अभी के लिए, सी साइड का पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश, किंग को भी डाउन करते हुए जरूर से देखने को मिलेंगे, बट ये मॉली पोकेमोन का ये लाइनअप कैसे बचेंगे आप। फ्लैश किया गया, पहले मॉली से पेक निकाला गया और 4K निकालते हुए पोकेमोन अपने आप को रील करेंगे, और 4-0 के स्कोर के बाद रेवेनेंट की बुद्धि यहां पे खुल रही थी और वो तो स्कोर लाइन को बहुत ज्यादा आगे ले जाते हुए नजर आ रहे थे। आज फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनका फॉर्म वो हमें देखने को मिलता हुआ चलिए के लिए तो कोई हर्ज नहीं, जरूर कोशिश रहेगी यहाँ से टीम रैंगटिन की कि वो वापसी करें, पीछे हटने की कोशिश, बट डिनाई किया गया, उन्हें रोका गया और जज लेकर पोजीशन थे अब्दुर, वो कर क्या रहे हैं हर राउंड में, बट चलिए इतनी लॉन्ग रेंज फाइट वो आप नहीं ले सकते, जंप कर करके डॉज करने की कोशिश, बट गनर वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, एक आता हुआ पिक वहां तो जाने नहीं देंगे। चलिए एक और प्लेयर को डाउन, अगले प्लेयर की तरफ पेन कर जाओगे, दिस हैपेंस पता नहीं और क्या दूसरा पिक और इनकी शील्ड वापस आ जाएगी, तीसरे पिक के लिए जाएंगे, बट चलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है और इसी पे काम करते हुए नजर आएंगे स्टोरैक्स जो कि किल जॉय को टेक डाउन करेंगे। पोकेमोन वो काउंटर पुश को डिनाई करेंगे, स्वे का पिक निकालते, कितना क्रिस्प हेडशॉट रहता है उनका स्टोरैक्स, सीवर से आगे बढ़ने की कोशिश, आउटड्रोन एंगल चेक करना पड़ेगा, कॉर्नर चेक करने पड़ेंगे, ब्लाइंड किया जाएगा, आगे बढ़ेंगे, एक प्लेयर स्पॉटेड, उनकी पोजीशन रिवील्ड है, प्लेयर्स फ्लॉलेस राउंड ऑलमोस्ट यहां निकल सकता है और उसके कगार पर हम पहुंच रहे हैं, फ्लॉलेस के साथ साथ 13-0 13-0 क्या यहाँ पे एंड, देखिए मैच तो यहाँ पे जा चुका है, बट मुझे लगता है कि लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग 13-0 आ रहा है, गनर की पोजीशन पता चल चुकी है, ए हैज बीन स्पॉटेड एंड ब्रीच की तरफ से अब कोई भी वो कसर नहीं छोड़ी जाएगी, एंड किंग